हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे हॉट स्टार्ट पीसीआर की। जब हॉट स्टार्ट पीसीआर की हम बात करते हैं तो उसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि क्यों हम इसे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हॉट स्टार्ट पीसीआर, पीसीआर का मतलब तो जानते ही हो, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब हॉट का मतलब हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, और स्टार्ट मतलब शुरू होना। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का स्टार्ट होना ही हमारा क्या है, हॉट स्टार पीसीआर। ये नॉर्मल पीसीआर से कैसे डिफर करती है तो उसकी हम बात करेंगे। तो नॉर्मल पीसीआर होती है उसमें पहले तो हम देखेंगे कंपोनेंट क्या क्या यूज होते हैं। जो नॉर्मल पीसीआर यूज होती है उसमें हमारे कंपोनेंट जो यूज होते हैं वो होते हैं टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए के बाद हम बात करेंगे डीएनटीपी। डीएनटीपी के बाद बफर, बफर के बाद मैग्नीशियम आयन, फिर टैग पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, ये हमारे कंपोनेंट वहां पे यूज होते हैं। प्राइमरी यूज होता है प्राइमर। ठीक है, ये कंपोनेंट हमारे मेनली यूज होते हैं। तो ये नॉर्मल पीसीआर होती है। नॉर्मल पीसीआर में क्या होता है, हमारा नॉन स्पेसिफिक पॉलीमराइजेशन या एम्प्लीफिकेशन भी हो जाता है। जब नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन हो जाता है तो हमारा उसका क्या महत्व रह जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। तो उस नॉन स्पेसिफिक जो हमारा एम्प्लीफिकेशन हो जाता है उसको कम करने के लिए हम हॉट स्टार पीसीआर करते हैं। हॉट स्टार पीसीआर में क्या होता है, उसमें हम क्या करते, पहले तो हम क्या होता है, जो नॉर्मल पीसीआर होती है वो थ्री स्टेप में डिवाइड होती है। नंबर एक डीनेचुरेशन। सभी पीसीआर जो होती है वो थ्री स्टेप में ही होती है, लेकिन उनकी स्टेप में मॉडिफिकेशन किया जाता है, एनेलिंग स्टेज और एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये तीन स्टेप होती है। ये हमारी 90-94 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, ये हमारी 55-60 पे होती है, ये 72-75। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल पीसीआर की बात हो गई। तो हॉट स्टार पीसीआर में हम ऐसा क्या करते हैं, हॉट स्टार पीसीआर में हम टैग पॉलीमरेज होता है उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। टैग डीएनए पॉलीमरेज जो होता है उसमें मॉडिफिकेशन ये करते हैं कि जैसे नॉर्मल पीसीआर में हम जब बात करेंगे यहाँ पे, जैसे इन्होंने ये कर रखा, बताने की कोशिश करें। नॉर्मल पीसीआर में जो होता है वो ये होता है कि जैसे ये हमारा डीएनए टेम्पलेट हो गया, ये डीएनए टेम्पलेट हो गया, डीनेचर स्टेज में जाएगा, ये डीनेचरिंग स्टेज में जाएगा तो हमारे यहाँ पे अब क्या होता है, हमारे जो ट्यूब यहाँ पे एक बना के दिखा देते हैं तुमको, पीसीआर ट्यूब होती है, पीसीआर ट्यूब के अंदर हमारे टेम्पलेट होता है, डीएनटीपी होते हैं, प्राइमर होते हैं और बफर मैग्नीशियम आयन। ठीक, ये कंपोनेंट होते हैं। अब जो प्राइमर होता है वो टेम्पलेट के साथ जाके बाइंड कर जाएगा। अब यहाँ पे प्राइमर हमारा नॉन स्पेसिफिक भी बाइंड करेगा, कहीं पे भी बाइंड कर सकता है। जैसे ही टेम्परेचर लो हुआ प्राइमर को बाइंड होने का मौका मिला तो प्राइमर नॉन स्पेसिफिक ही बाइंड हो जाएगा। अब वो नॉन स्पेसिफिक बाइंड हो जाएगा, टैग पॉलीमरेज जो होता है वो 72-75 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करता है, ऑप्टिमली काम करता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ऑप्टिमम काम करता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उससे कम टेम्परेचर पर काम नहीं करेगा। तो उससे कम टेम्परेचर पे भी वो एम्प्लीफिकेशन कर सकता है, लेकिन कम करेगा, बहुत स्लो एम्प्लीफिकेशन करेगा। तो एम्प्लीफिकेशन तो होगा तो हमारा अनडिजायर्ड प्रोडक्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्लीफाई हो जाएगा। जो हम नहीं चाह रहे वो भी एम्प्लीफाई होगा। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए हम हॉट स्टार्ट पीसीआर करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है कि हॉट स्टार पीसीआर में हम टैग पॉलीमरेज को एनिलिंग स्टेज में कैसे वो एम्पलीफाई ना करे डीएनए को, उसके लिए हम टैग पॉलीमरेज में मॉडिफिकेशंस करते हैं। तो वो केमिकल मॉडिफिकेशन हो सकता है या एंटीबॉडी इनहिबिटेड टैग पॉलीमरेज हो सकता है या एप्टामर के द्वारा हम उसे इनहिबिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा केमिकल मॉडिफाइड पॉलीमरेज होता है वो कंप्लीटली ब्लॉक्ड रहता है बिलो 280 डिग्री सेंटीग्रेड।
लेकिन जैसे ही हम उसे 95 डिग्री सेंटीग्रेड का ट्रीटमेंट देते हैं तो वो एक्टिव होता है, ठीक है। तो इसका ये तो बेनिफिट हो गया कि जैसे ही हम डीनेचरिंग स्टेज में जाएंगे, ठीक है, डीनेचरिंग स्टेज में तो वो एक्टिव रहेगा, डीनेचरिंग स्टेज में जाएगा। अब एनिलिंग स्टेज में आएगा, एनिलिंग में हमारे यहाँ पे प्राइमर बाइंड हो जाएंगे, नॉन स्पेसिफिक प्राइमर भी बाइंड हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, टैग पॉलीमरेज एंजाइम भी होगा। टैग पॉलीमरेज एंजाइम हमारा केमिकली मॉडिफाइड है तो वो पॉलीमराइज तो करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर, यह है एनिलिंग स्टेज, क्या है ये एनिलिंग स्टेज, तो यहाँ पे तो वो एम्पलीफाई कर नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे केमिकली मॉडिफाइड ही हमारा टैग पॉलीमरेज है, जो किस पे काम करेगा, 95 डिग्री। जब एक्सटेंशन स्टेज में हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसके काम करने के लिए, जो टैग पॉलीमरेज है उसके काम करने के लिए, हम जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये काम करना स्टार्ट करेगा, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो हमारी नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग है वो यहाँ से हट जाएगी, नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग हट जाएगी। जैसे ही नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग हटेगी हमारा टैग डीएनए पॉलीमरेज काम करना स्टार्ट कर देगा और हमारा डीएनए एम्पलीफाई हो जाएगा। इसके बाद हम भाई वही बात करते हैं कि एंटीबॉडी इनहिबिटेड टैग पॉलीमरेज क्या करता है। एंटीबॉडी इनहिबिटेड में भी क्या होता है, वही प्रोसेस फॉलो होती है, ये हमारी टेम्परेचर, ये हमारे डीनेचर टेम्पलेट है, डीनेचर टेम्पलेट में हमारे क्या होंगे, प्राइमर बाइंड कर जाएंगे, और जैसे ही प्राइमर बाइंड करेंगे यहाँ पे हमारा ये टैग डीएनए पॉलीमरेज है, टैग डीएनए पॉलीमरेज को हमारा एनिलिंग स्टेज में कौन इनिबिट करेगा, एनिलिंग स्टेज में हमारी यहाँ पे एंटीबॉडी इसे इनिबिट करे रहेगी, एंटीबॉडी यहाँ पे इसे इनिबिट करेगी, ठीक है। एंटीबॉडी जब यहाँ पर इसे इनिबिट करेगी, जैसे ही हम एक्सटेंशन स्टेज में जाएंगे, एक्सटेंशन स्टेज में जाएंगे, एक्सटेंशन स्टेज में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा हमारी नॉन स्पेसिफिक, जो नॉन स्पेसिफिक जो हमारी बाइंडिंग हुई है, नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग हुई है प्राइमर्स की, वो भी हट जाएगी, और जो हमारा एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड है टैग पॉलीमरेज के साथ, ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब एंटीबॉडी यहाँ से रिमूव हो जाएगी, एंटीबॉडी टैग पॉलीमरेज से रिमूव हो जाएगी, तो हमारा यहाँ पे टैग पॉलीमरेज बाइंड होके इसका एम्प्लीफिकेशन कर देगा, ठीक है। ये हो गया एंटीबॉडी इनहिबिटेड। इसी प्रकार हमारा क्या है एप्टामर वाला, एप्टामर में भी कंडीशन क्या आती है कि हमारा वो टैग पॉलीमरेज को इनहिबिट तो करे रहता है। अब जैसे ही हमारा एनिलिंग स्टेज में तो इनहिबिट करे रहेगा उसको, जैसे ही हम एक्सटेंशन स्टेज में जाएंगे वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वहां से एप्टामर हमारा रिमूव हो जाएगा। जब एप्टामर यहाँ से रिमूव होगा तो अब वो एक्सटेंशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन ये हो जाता है कि जो हमारी नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग हुई है, एक तो वो हमारी वहां पे एम्पलीफाई नहीं होगी, ठीक है, जिससे क्या होगा हमारा पीसीआर की इफिशियंसी और डिजायर प्रोडक्ट आराम से बहुत अच्छी इफिशियंसी से मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक जेल पिक्चर शो की गई है, इस जेल पिक्चर में ये जो ये लेफ्ट साइड वाला जो हमारा है, ये लेफ्ट साइड वाले में दिखाया गया कि दो बैंड दिख रहे हैं यहाँ पे, एक बैंड ये एक बैंड ये, मतलब यहाँ पे ये जो नॉर्मल पीसीआर हुई है, ये नॉर्मल पीसीआर, नॉर्मल पीसीआर में हमें क्या मिल रहा है, नॉन स्पेसिफिक बैंड मिल रहे हैं, देखो दो दो बैंड मिल रहे हैं, ठीक है। वहीं पे हम क्या किए हैं, इधर वाला जो राइट हैंड वाला जेल पिक्चर दिखाया गया है, देखो सिंगल बैंड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ओनली सिंगल बैंड। तो यहाँ पे जब ये सिंगल बैंड, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है हमारा, स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन हुआ है डीएनए का, स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्पेसिफिक हुआ, दैट मीन्स इट इज अ हॉट स्टार पीसीआर, हॉट स्टार पीसीआर जेल पिक्चर, ठीक है। तो इस जेल पिक्चर से तुम्हें कंफर्म क्लियर हो रहा है कि ये वाला जो है ये हमारा नॉन स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे इसलिए सिंगल बैंड दिख रहा है, यहाँ पे दो बैंड दिख रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज वॉच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फ्रेंड, प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें।